about today's lecture. In today's lecture, what we will do? In today's lecture, we will start doing the differentiation of a function with respect to another function. Or in other words, I am going to define a rule which is called chain rule, जिसको हम chain rule कहते हैं. In this rule, we have to prove that या मेरे पास अगर function होगी d by dx of f of g of x, I have to prove that the differentiation of f of g of x, it will be equivalent to f prime of g of x multiplied by g prime of x. आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या हो गया? What does it mean? It means that, for example, अगर मेरे पास इस तरह होगा differentiation of sine of x plus b, अगर मुझे इसकी differentiation करनी होगी, I have to differentiate it. Sine of x plus b, पहले मैं sine की differentiation करूंगा. Sine की differentiation आएगी cos, cos of x plus b. फिर जो अंदर वाली quantity है इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी differentiation करनी है, वो आएगा एक्स की आएगी ए, बी की आएगी जीरो. तो वही कह रहा है कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस होगा, देन हाउ वी डिफरेंशिएट द टू फंक्शन, देन हाउ वी डिफरेंशिएट द कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट एफ विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, देन डिफरेंशिएट जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. दिस इज हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन with respect to x. Likewise, this time I'm not performing the differentiation of f of x, I have to perform the differentiation of f of g of x. So what I will take one more function. For example, I will let jiski mujhe differentiation karni hai, main rakhunga phi of x is equal to g of f of g of x, jiski mujhe differentiation karni hai f of g of x, ये मैंने रखा phi of x, then I have to differentiate this phi of x. अगर मुझे f of g of x को differentiation करनी है, क्या उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे phi of x की differentiation करनी है? By definition, d by dx of phi of x क्या आएगा? जरा मुझे बताइए आप, d by dx of phi of x, it will be equivalent to, this will be equivalent to limit h goes to zero phi of x plus h minus phi of x whole upon h. ये मेरी definition है differentiation की. और अगर मैं करूंगा d by dx of, पहले मैं board पर देखता हूं आप लोगों को नजर आ रहा है board, हाँ, और d by dx of phi of x के बदले में लिखूंगा f of g of x, ये मैंने लिखा. This will be equivalent to limit h tending to zero. What is phi of x plus h? अगर phi of x है f of g of x, then phi of x plus will be f of g of x plus h. आपको x को किससे replace करना है? X plus h से. Minus phi of x अपना ऐसे आएगा f of g of x. Whole upon h. I hope that आपको यहां तक समझ में आ गया. So this is further equivalent to, अगर मैं थोड़ी सी अब setting change करूंगा, I will write limit h goes to zero. मैं एक काम करूंगा, मैं इस तरह लिखूंगा इसको f of g of x plus h minus f of g of x
होल अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, इससे मैंने खुद डिवाइड कर दिया, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स से मैंने खुद डिवाइड कर दिया, और इसी से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। जब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे खुद किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल अपॉन एच, होल अपॉन एच। देन दिस इज फर्दर इक्वलेंट टू, वी नो दैट दिस थिंग, एक और डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, अगर मुझे डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन की करनी होगी एट सम पॉइंट एक्स वन, तो मैं इस तरह लेता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू, एक्सटेंडिंग टू ए, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू, देन आई राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब देखो वैसे ही यहां पर हो रहा है, यहां पर वैसे ही हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि जो मेरे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ये नहीं हो रही है एफ की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। देखो जैसे यहां पर ए है, यहां पर जी ऑफ एक्स है कि नहीं, तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूं दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, या इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूं दिस इज एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन, दिस इज एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इन टू, उसको लिमिट अलग से मैं दूंगा बिकॉज दैट सिटिल डिपेंड्स अपॉन एच, लिमिट एच टर्निंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स होल अपॉन एच। फिलहाल इतना, अगर आप गौर से देखेंगे दिस लिमिट, ये जो लिमिट आप देख रहे हो, अगर आप गौर से देखोगे दिस इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कुछ भी नहीं है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम ऑफ एक्स, और मैंने वही प्रूव किया जो मुझे करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल, इसको हम कहते हैं चेन रूल। जब हम कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस लेते हैं, वी डू द डिफरेंशिएशन, मतलब जैसे इसको मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एंड द डिफरेंशिएशन कम्स आउट टू बी एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम ऑफ एक्स, मल्टीप्लाइड बाई जी प्राइम ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, for example if I have to differentiate composition of the two functions, for example ya agar main isko is tarah likhunga jo mere paas hai hai na ye d by dx of f of g of x is equal to jo main likhta hu this is f prime of g of x into g prime of x, wo kya hota hai, वो ये होता है कि पहले हम f की डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। मतलब मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो रही है नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स इन टू जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स हो गया g की डिफरेंशिएशन हो रही है या g ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो रही है, वो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसमें इस फॉर्मूला में अगर मैं लिखूंगा लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, तो होगा क्या, देख लीजिए होगा क्या, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको क्या होगा, इसको ये होगा, ये फॉर्मूला इस तरह बनेगी, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ f of g of x, first of all it will be d by dx of
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बदले मैंने यू लिखना है, मैंने लिखा यू, नीचे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स तो मुझे यू लिखना है, इनटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स के बदले मैंने यू लिखना है। आप ऐसे सोचो, मतलब ये और ये चला जाएगा और हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू का मतलब हो गया इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, और एफ ऑफ यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यू का वैल्यू है जी ऑफ एक्स, हो गया। सो अगर हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं वी पुट वन न्यू वेरिएबल इन बिटवीन जिसका मैंने यू दिया नाम, पहले मैं फंक्शन की डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट यू, देन डी यू डिवाइड बाई डी एक्स आई डू, सो दैट एक लॉजिक जैसा बनता है, डी यू और डी यू चला जाएगा और हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए, हमें वापस मिलना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मगर ऐसा करने से होता क्या है, डिफरेंशिएशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इस पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक तरीका तो मैंने आपको इस तरह दिखाया कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक तरीका तो मैंने आपको इस तरह दिखाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाट यू विल डू, आप साइन की डिफरेंशिएशन लिखेंगे, वो कॉस होता है, फिर ये वाली क्वांटिटी ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन आपको करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी डिफरेंशिएशन आपको करनी है एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन आएगी टू एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा आ रहा है। या अल्टरनेटिवली अगर आपने लिखा, हमने तो डिफरेंशिएशन की इसकी, अब देख लीजिए चेन रूल किस तरह बनेगा। अगर मैं लिख रहा हूं लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर मैं लिख रहा हूं लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक और नाम दे दीजिए, एक नई फंक्शन रख लीजिए लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर अगर u की डिफरेंशिएशन होगी डी यू डिवाइड बाई वो होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज यू हैज बीन एक्सप्रेसिड इन टर्म्स ऑफ एक्स, मेरे पास आएगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू टू एक्स। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब देख लीजिए फर्स्ट को क्या होगा, आपका जो वाई बनेगा इट विल बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन के बदले मुझे लिखना पड़ेगा यू। अब अगर वाई की डिफरेंशिएशन होगी आपको नहीं लग रहा है वो होगी विद रिस्पेक्ट यू क्योंकि एक्स तो उधर है नहीं, और वो आएगा डी वाई डिवाइड बाई डी यू आएगा कॉस ऑफ यू। मगर आप मुझसे पूछेंगे मगर वाई की डिफरेंशिएशन हमें करनी थी सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने की विद रिस्पेक्ट यू, तो क्या लॉजिक है? अगर मैं इस तरह लिखूंगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स जो मुझे चाहिए था, मैं इसको लिखूंगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्या ये सही है? अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, यस इट इज ओके, देर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज चेन रूल इज द गारंटी, बिकॉज चेन रूल इज द गारंटी विच इज फर्दर इक्वल टू डी यू डी वाई डिवाइड बाई डी यू, मैंने तो लिखा हो दैट इज माई कॉस ऑफ यू इन टू डी यू डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज टू एक्स एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू टू एक्स ऐसी इन टू कॉस ऑफ यू का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है? तो इस तरह हमने इसकी डिफरेंशिएशन की। लाइकवाइज अगर हमारे पास इस तरह होगा एक फंक्शन लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर, आई विल नेम इट फर्स्ट, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, देख लीजिए मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड व्हाट इज डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन बाई एक्स, आप एक्स से सारे को मानेंगे, आएगा वन बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर होगी डिफरेंशिएशन अंदर वाली फंक्शन की, अंदर वाली फंक्शन मेरे पास है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वो ये है। फिर वन बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, इसको लिखा मैंने साइन की, हाँ अब दिस इज अगेन द कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन साइन एंड एक्स स्क्वायर। साइन की डिफरेंशिएशन आप मुझे बताओ, वो होता है कॉस, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर की आप मुझे डिफरेंशिएशन बताओ, वो आएगा टू एक्स। तो उस हिसाब से मैंने डिफरेंशिएशन कर दी, इट इज कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर हो गया कॉट एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। तो ये मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की। लेट्स अप्लाई द चेन रूल, चेन रूल से मैं इसकी किस तरह डिफरेंशिएशन करूंगा, देख लीजिए मैं किस तरह इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर अगर u की डिफरेंशिएशन होगी, आपको नहीं लग रहा है विद, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर du डिवाइड बाय dx इट विल बी इक्वल टू x। Therefore, from first, we have, हमारे पास क्या आएगा, y is equal to log of sine of x square के बदले आप मुझे लिख रहे हैं u, लिखा मैंने। अब मैं इसमें फर्दर एक और सब्सटीट्यूशन करूंगा, let w is equal to sine of u, इसका नाम मैं रखूंगा second। अब अगर W की डिफरेंशिएशन होगी, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू U, मींस dW डिवाइड बाय dU, इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ U, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड, अगर आप सेकंड को देखोगे, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड वी हैव, व्हाट वी हैव, सेकंड में से आप देख लीजिए मेरा Y बनेगा log ऑफ साइन ऑफ U, मेरे पास W बनेगा इंप्लाइज। अब अगर y की डिफरेंशिएशन होगी, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू w, मींस मेरे पास आएगा dy डिवाइड बाय dw, log w की डिफरेंशिएशन आएगी 1 बाय w, बिकॉज log x की डिफरेंशिएशन है 1 बाय x। अब अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पर लिखूंगा, देयरफॉर मुझे ढूंढना था dy डिवाइड बाय dx, dy डिवाइड बाय dx, y का dy डिवाइडेड बाय, y की डिफरेंशिएशन हुई विद रिस्पेक्ट टू w, मैं लिखूंगा dy डिवाइडेड बाय dw, फिर w की डिफरेंशिएशन हुई विद रिस्पेक्ट टू u, मैं लिखूंगा dw डिवाइडेड बाय du, फिर u की डिफरेंशिएशन हुई विद रिस्पेक्ट टू x, मैं लिखूंगा du डिवाइडेड बाय dx, और जो मेरे पास है dy डिवाइडेड बाय du, आप देख लीजिए दैट इज 1 डिवाइडेड बाय w, फिर मेरे पास जो है dw डिवाइडेड बाय du दैट्स कॉस ऑफ u, वो भी मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा du डिवाइड बाय dx, वो तो 2x है, वो भी मैंने लिखा। अब आप वापस दीजिए वैल्यूज, दिस इज 1 डिवाइड बाय, आप देख लीजिए w का वैल्यू क्या है, w इज इक्वल टू साइन ऑफ u, मैंने लिखा साइन ऑफ u, ऊपर है कॉस ऑफ u इंटू 2x ऐसे। अब और वैल्यूज दीजिए, कॉस यू बाई साइन यू कितना हुआ, दैट्स कॉट ऑफ यू इंटू टू एक्स, इंटू टू एक्स, फिर टू एक्स में सामने लिखूंगा इंटू कॉट ऑफ यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, हो गई डिफरेंशिएशन, दिस कॉल्ड चेन रूल। ऐसा हो रहा है, देखो मिसाल के तौर पर अगर मुझे डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स करना है, तो मैंने पहले dy डिवाइड बाई dw, फिर dw डिवाइड बाई du, फिर du डिवाइड बाई dx, ताकि ये इसके साथ du du के साथ, और वापस हमें मिले dy डिवाइड बाई dx। तो दिस इज हाउ वी यूज द चेन रूल टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इस तरह हम करते हैं चेन रूल में डिफरेंशिएशन।
फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है मेरे पास मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास होगा log ऑफ 7, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 7, इसकी भी बेस है 7, कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएशन? यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, इसकी डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, एंड इट इज इक्वल टू 1/x, जब बेस होगी e, मगर जब बेस होगी 7 तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन? इसके लिए हम यूज करेंगे बेस चेंज फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? बेस चेंज फॉर्मूला और चेन रूल भी अप्लाई करेंगे। आई विल नेम इट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, ये जो log x टू द बेस 7 है इसका नाम मैं दूंगा w, w इज इक्वल टू log x टू द बेस 7। और बेस चेंज फॉर्मूला मेरे पास इस तरह है, log ऑफ a टू द बेस b अगर होगा, अभी आप देख लीजिए इसकी बेस है b, यू कैन योर सेल्फ इंट्रोड्यूस ए न्यू नंबर, न्यू बेस, जो आप चाहे वो, बट दैट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। आप इसको लिख सकते हो log ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द बेस c, मैं लिखूंगा log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ b टू द बेस c, ये है बेस चेंज फॉर्मूला। मैंने log a ऊपर लिखा, बेस नीचे लगा दी c, b नहीं लगाया मैं, फिर मैंने बी जो था बेस इसको नंबर बना दिया और बेस के बदले सी लगा दिया, इसका बेस चेंज फॉर्मूला। अब अगर मैं डब्ल्यू ले रहा हूं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 7, तो मैं इसको बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा, इट विल बी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 7 टू द बेस ई बाय बेस चेंज फॉर्मूला। मैंने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया लॉग ऑफ ई टू द बेस, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। देयरफॉर अब अगर मुझे w की डिफरेंशिएशन होगी, वो नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू x, ये जो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7 टू द बेस e है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, log x टू द बेस e की डिफरेंशिएशन है 1 बाय x। फिर अगर मैं इसको ऊपर चढ़ाऊंगा ना, इसको इस नंबर को अगर ऊपर चढ़ाऊंगा, ये तो आपको मालूम होगा जब मैं इसको ऊपर चढ़ाता हूं नंबर और बेस अपनी पोजिशन से इंटरचेंज करती है, मतलब जो बेस थी उसको नंबर बनेगा और जो नंबर था उसको बेस बनेगा, बिकॉज log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। नंबर और बेस जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं वो अपनी पोजिशन से इंटरचेंज करती है, तो आ गया 1/x, दिस इज 1/x। अब देखते हैं फर्स्ट को क्या होगा। देयरफॉर फ्रॉम